हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो करके पूरा वीडियो अगर आप हमारा देखते हैं और नोट्स अगर इफेक्टिव बना लेते हैं, तो फिर आपको सॉल्यूशन क्या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर टफ लगने वाला नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जैसे मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे आपको पूरी केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंग वे में सिखाऊंगा। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में फिफ्थ वीडियो तक अभी तक यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। आज नंबर है सिक्स्थ का। आप इस वीडियो में पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले क्लास में मैंने फिफ्थ पार्ट में पूरा मोलालिटी पढ़ाया था, उसका न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था। आज इस पार्ट में हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे, जिसको कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। और अगर आप मोलारिटी पढ़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ अलग जरूर मिलेगा। आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो अगर आप देखें, देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोलारिटी में कुछ अलग मिलने वाला निश्चित है। तो आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और कंटिन्यू वे में आप मोलारिटी टर्म को पढ़िए। हेडिंग लिखिए मोलारिटी, और हम लोग मोलारिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों, अगर आप लास्ट तक पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, न्यूमेरिकल कर लिए अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू बढ़ते हैं। हेडिंग है मोलारिटी। बच्चों, हेडिंग है मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी को डिफाइन कर सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को ही बोलते हैं मोलाइटी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मोलाइटी कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन ए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बी एल मतलब लीटर, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 1000। अगर एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो फिर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये मोलारिटी का फर्स्ट फार्मूला है। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगर कंडीशन ये है बच्चों, अगर वॉल्यूम है 1 लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर, या कह सकते हैं 1000 ml अगर वॉल्यूम है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल मतलब अगर ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, आपको पता है ना। अच्छा, अगेन ये तो आपको पता ही, अगेन मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन एमएल इंटू 1000, लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये बताइए बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम वेट, डब्ल्यू ए वेट, ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में है या 1000 ml में है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ये पूरा हो गया, और डिवाइड बाई किस किस
किससे डिवाइड करेंगे, यामे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये बताइए बच्चों, मोलारिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन तो हो गया। अच्छा ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्स डैश इंटू टेन, एक्स डैश मतलब परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी, और परसेंटेज ऑफ एक्स डैश के जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स इंटू डी और इंटू टेन। ये हम लोग कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जब पढ़ रहे थे उस समय इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो आप थर्ड वीडियो में देखेंगे, ये ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के जगह पर एक्स डैश टेन, एक्स डैश क्या है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई बी, एक्स क्या है परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डी क्या है डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन एमएल इंटू थाउजेंड, पहला फार्मूला, इक्वल टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सेकंड फार्मूला हो गया इक्वल टू एक्स डैश इंटू टेन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, थर्ड फार्मूला बन गया इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं एक्स इंटू डी इंटू टेन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मोलारिटी का इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इतना फार्मूला पता है तो आप मैक्सिमम लेवल तक के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या जानते हैं, केवल इतने फार्मूले में अपना काम चलाते हैं, आपको ये सारा फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इतना फार्मूला आप अगर आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर ले जाओगे। बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देखिए केस स्टडी हम लोग करेंगे, केस स्टडी। फर्स्ट केस है, पहला कंडीशन ये बनता है बच्चों, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके मोलारिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मोलारिटी हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये समझना है बच्चों। जैसे मैं ले लेता हूं एक कंटेनर मैं ले लेता हूं जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है B1, मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है। मान लेते हैं A सॉल्यूशन है, इसमें जो मोल है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो Na है। अब अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूटेड बाई एडिंग H2O, अगर हम H2O ऐड कर दें, ऐड करके डाइल्यूट, जब हम कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका कुछ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा, जब उसमें हम वाटर मिला देंगे, सॉल्यूट मिला देंगे, तो सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन किया गया वाटर ऐड करके, तो उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलारिटी और वॉल्यूम होगा वो मान लेते हैं उसका जो है मोलारिटी M2 और वॉल्यूम V2, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है रिजल्टेंट, मोलारिटी पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं ये B सॉल्यूशन बना और यहां जो मोल सॉल्यूट का NB है। अब कंडीशन ये है कि अगर यहां सॉल्यूट का मोल और यहां सॉल्यूट का मोल बराबर है, मतलब Na इक्वल टू NB, सॉल्यूट का मोल ना घटे ना बढ़े, तो डाइल्यूट अगर हम करें किसी सॉल्यूशन को तो रिजल्टेंट क्या होगा, मोलारिटी M1 B1 इक्वल टू हो जाएगा M2 B2। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन, मोलारिटी का डाइल्यूशन इक्वेशन M1 B1 इक्वल टू M2 B2। कंडीशन क्या है, अगर N1 इक्वल टू Na इक्वल टू NB, मतलब इधर सॉल्यूट और इधर सॉल्यूट के मोल बराबर हैं, तब ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड
वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा, तो बोल सकते हो बी टू माइनस बी वन, मतलब कितना वाटर आपने ऐड किया। मान लेते हैं यहां इसका 10 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम और आपने ऐड किया तो रिजल्टेंट हो गया 15 वॉल्यूम। तो कितना ऐड किया, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, तो बी टू जो फाइनल वॉल्यूम है डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो एडेड वाटर हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे फिर केस आगे बढ़ेंगे, अगला न्यूमेरिकल हम लोग यहां कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, 200 ml 0.5 m एक्को सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 300 ml ऑफ प्योर वाटर, देन मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी, फोर ऑप्शन दे दिया है, 0.5, सेकेंड 0.2, 0.4 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है, मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आप डाइल्यूशन ला लगाएंगे। यहां देखिएगा आंसर है, कैसे सॉल्व करोगे आप, M1 दे दिया है 0.5, B1 दे दिया है 200 ml, M2 तुमसे पूछा जा रहा है, मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन M2 पूछा जा रहा है, और B2 इनिशियल B1 200 और फिर 300 ऐड किया गया तो B2 हो जाएगा 500 ml, ये आपको पता है। तो आप डाइल्यूशन ला लगाओ, M1 B1 इक्वल टू M2 B2, M1 का वैल्यू कितना है 0.5, B1 कितना 200 इक्वल टू 200, B2 इक्वल टू हो जाएगा B2 यहां 500, M2 हमें निकालना है V2 500, तो M2 इक्वल टू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा आंसर 0.2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या लगेगा, केस नंबर सेकंड, अभी हमने मोलारिटी का फार्मूला बताया, मोलारिटी का फर्स्ट कंडीशन बताया, अब आपको सेकंड कंडीशन पढ़ना है। हेडिंग लिखिएगा इसमें मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ मिक्सर, मोलारिटी ऑफ मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन, जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी तुमसे पूछा जाएगा। जैसे बोला जाएगा दो सॉल्यूशन है दोनों को मिक्स कर दो, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी क्या होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक कंटेनर में ले लेता हूं, इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है और उसका मोलारिटी M1 और वॉल्यूम B1 है, मोलारिटी M1 और वॉल्यूम B1 है। मान लेते हैं ए सॉल्यूशन इसमें है और दूसरा कंटेनर है, इसमें जो सॉल्यूशन है बी, यहां जो सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी M2 और वॉल्यूम B2 है। अब दोनों को अगर मिक्स किया जाए, दोनों को जब मिक्स किया जा रहा है तो जो बनेगा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने के बाद, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी मान लेते हैं MR है और वॉल्यूम इसका B1 प्लस B2 है, तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का MR का वैल्यू क्या होगा, मतलब मोलारिटी ऑफ मिक्सर क्या होगा, MR मतलब मोलारिटी ऑफ मिक्सर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप समझ लो दोनों की मोलारिटी इक्वल टू फाइनल मोलारिटी, दोनों का मोलारिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे फिर इक्वल कर देंगे उसके, तो क्या इक्वेशन बनता है ऐसे, M1 B1 इसका और प्लस M2 B2 सेकंड का इक्वल टू हो जाएगा MR और B1 प्लस B2। तो ये बताइए MR यहां से मिल जाएगा, MR इक्वल टू हो जाएगा, बताइए M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस
बी टू, अब यहां हो सकता है तीन सॉल्यूशन चार सॉल्यूशन कुछ भी हो, तो उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, तीन सॉल्यूशन होगा तो बी एम थ्री बी थ्री हो जाएगा। इसका मतलब मिक्सर आप सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगा एम आर इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए। अब यहां भी कंडीशन है बच्चों, देखना आप लोग समझिएगा। देखिए पहला कंडीशन बच्चों ये है, नोट करते लिखते चलिए, बहुत डिटेल्स में मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए अगर कहा जाए मोलारिटी मोलारिटी ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल मोलारिटी ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन इन मिक्सर, जैसे पहले अगर मिक्स नहीं किया गया तो दोनों सॉल्यूशन की अपनी मोलारिटी पता है, लेकिन मिक्स कर दिया जाए तब मोलारिटी घटेगा बढ़ेगा, दोनों का चेंज तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो उस मिक्सर में इंडिविजुअल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगा इसको आप निकालिए। तो इसके लिए फार्मूला मैं निकाल लेता हूं बच्चों, यम ए मतलब मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू यम वन बी वन डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू, ये फार्मूला लगा दो। अगर तुमसे पूछा जाए एम बी का वैल्यू मतलब मोलारिटी आप सेकेंड सॉल्यूशन बता दो बी सॉल्यूशन का, तो हो जाएगा एम टू बी टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू हो जाएगा। बात समझ में आया? एक कंडीशन बच्चों और बनता है, एक कंडीशन और क्या है समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों b1 और b2 का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो b1 और b2 का वैल्यू अगर सेम होगा तो b1 b2 इक्वल टू सेम यानी b मान लेंगे, तो लिखिएगा कंडीशन, अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों नोट करके, इफ इक्वल इक्वल वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड बोथ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड दैट इज बी वन इक्वल टू बी टू, बी वन बी टू बराबर यानी बी मान लो, तो जब यहां बी वन बी बराबर हो जाएगा बी मानेंगे, बी बी कट जाएगा, एक दो बी है तो टू बी हो जाएगा, तो बी बी कट जाएगा तो यम बाई टू, तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा यम बाई टू एंड एम बी इक्वल टू हो जाएगा यम बाई टू, तो ये भी फार्मूला बन गया। दो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए न्यूमेरिकल आप लोग लिखिएगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल है 220 ml यम बाई फाइव एच सी एल सोल्यूशन मिक्सड विथ 50 ml यम बाई टू एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ ईच इन मिक्सर, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोलारिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए दो सॉल्यूशन है, एक HCl है और एक H2SO4 है, ये मान लेते हैं A सॉल्यूशन और H2SO4 को मान लेते हैं B सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, लास्ट वाला फार्मूला अप्लाई करिए, मोलारिटी ऑफ HCl यानी A, यही तो हम लोग पढ़े थे, यम वन बी वन डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू, ये तो फार्मूला है। अच्छा ये बताओ यम वन क्या है, यम वन इक्वल टू यम बाई फाइव, बी वन क्या है 20, तो 20 इंटू वन बाई फाइव लिख सकते हैं, बी वन क्या है 20 और बी टू क्या है 50 यानी 70 हो जाएगा, 20 प्लस 50 यानी 70। बात समझ में आया? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/70 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/35 यम, ये आ गया मोलारिटी। ऐसे ही मोलारिटी ऑफ H2SO4 भी हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से बता दो, तो क्या होगा यम टू बी टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू, यही तो फार्मूला पढ़े हो। अच्छा ये बताओ M2 क्या है, 1/2, वो ऊपर देखिए लिखा है 1/2, B2 कितना है 50 है, डिवाइड कर दो किससे 70 से, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू बता दो 5/5
14, ये हो गया M, दोनों का हमें आंसर मिल गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। ये कंपटीशन का जो है न्यूमेरिकल है, जो केस नंबर थर्ड फोर्थ भी बताएंगे, वो सब जेई एडवांस और जेई में आते हैं। चलिए अगला कंडीशन देखिए, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड देखिए बच्चों, केस नंबर थर्ड, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, और ये भी ध्यान देना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, इन केस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, शॉर्टकट में रिएक्शन लिखा गया, आर एक्स पर पावर एन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं N1A + N2B कन्वर्टेड इंटू N3C + N4D, ये दिया गया है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये आपको अगर कोई पता चल जाए, ये रिएक्शन दिया रहेगा, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला ये है बच्चों कि जैसे ए बी, ये तो रिएक्टेंट हो गया, सी और डी ये प्रोडक्ट है, ए और बी के नंबर आगे जो एन वन एन टू लिखा ये कोफिशियंट है, तो ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और ए एंड बी ये रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है, एन थ्री और एन फोर ये भी कोफिशियंट यानी नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला फार्मूला बनता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाई एन वन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाई एन वन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी रिएक्टेंट डिवाइड बाई एन टू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइड बाई एन थ्री इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ डी डिवाइड बाई एन फोर। तो ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाई एन वन कोफिशियंट ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी रिएक्टेंट डिवाइड बाई एन टू मतलब कोफिशियंट ऑफ बी। अब ऐसे ही इसको हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल के जगह पर हम मिली मोल भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख लेना आप लोग मिली मोल ऑफ ए डिवाइड बाई एन वन, मोल मिली मोल, अगर थाउजेंड से मोल आपको पता है बेट डिवाइड बाई मालिकुलर बेट, और मिली मोल, मोल में आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो मिली मोल में बदल जाएगा, तो मिली मोल ऑफ ए डिवाइड बाई एन वन उसी के टर्म पर मिली मोल, मोल ये ऊपर था, मिली मोल मतलब थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो, एन वन डिवाइड बाई एन वन इक्वल टू मिली मोल ऑफ बी डिवाइड बाई एन टू इक्वल टू मिली मोल ऑफ सी डिवाइड बाई एन थ्री इक्वल टू मिली मोल ऑफ डी डिवाइड बाई एन फोर। अच्छा ये मिली मोल क्या है बच्चों, जैसे आपको पता है मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल, तो ये बताओ अगर ये लीटर में होता तो इसका मतलब क्या होता, मोल इक्वल टू एम बी, मोल यानी इक्वल टू एम बी, लीटर में अगर है तो मोल हो जाएगा, लेकिन अगर एन ए यहां हम कर दें एम बी इन एमएल में कर दें तो यही हो जाएगा मिली मोल, यही क्या हो जाएगा मिली मोल, तो मिली मोल मतलब एम बी, लेकिन होना चाहिए एमएल में, अगर लीटर में होगा तो मोल, क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो आप यहां एम बी मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल इंटू इक्वल टू एम बी इन लीटर में, लेकिन मिली मोल इक्वल टू एम बी इन एमएल में। तो ये बताओ एक ऐसे आप लिख सकते हैं,
millimole of substance, millimole of substance equal to mb किसमें, ml में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मोल इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मिली मोल क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। हमने कहा मोल अगर है उसको मिली मोल में बदलना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिली मोल है, इसका मतलब वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीमोल में बदल जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमोल। बात क्लियर हुआ, मिलीमोल। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए, ऐसे आप समझ लीजिए, अगर आपसे कहा जाए m1b1 डिवाइड बाय, अच्छा मिलीमोल के जगह पर m1b लिख सकते हैं ना, तो लिख लो m1b1 डिवाइड बाय n1, यहां मिलीमोल के जगह पर हम mb लिख दिए, मिलीमोल के जगह पर mb, यानी maba लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहां मान लेते हैं 1 2 3 4 मान लिया, तो m1b1 डिवाइड बाय n1 एक कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो यहां m2b2 डिवाइड बाय n2, ठीक है, तो ये m1b1 डिवाइड बाय n1 इक्वल टू m2b2 डिवाइड बाय n2, ये तो मान सकते हैं। अच्छा mb मिलीमोल अगर ml में है तो मिलीमोल, लीटर में होता तो मोल। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1b1 डिवाइड बाय n1 इक्वल टू मिलीमोल को मैं लिख सकता हूं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ ए, मान लेते ए है कोई कंपोनेंट, या वेट ऑफ टू लिख दें, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू, और डिवाइड कर दें, n2 है ही, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब mb के जगह पर हमने क्या लिखा, यही तो लिख दिया, एमबी के जगह पर हमने यही लिख दिया। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको ये न्यूमेरिकल यहां से तभी आप कर पाओगे जब आपको ये सब पता होगा, और ये सब कंपटीशन में आते रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जैसे ये आपको पता चल गया, जैसे इसको भी अगर हमें बदलना है तो हम क्या कर देंगे, इसको भी अगर हमें बदलना है तो W1 डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 डिवाइड बाय n1 इनटू कर देंगे 1000, और इक्वल टू कर देंगे W2 m2 डिवाइड बाय n2 इनटू क्या कर देंगे 1000। तो ये भी फार्मूला, मतलब दोनों को हमने W बाय m में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। चलो मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं बच्चों, कैसे न्यूमेरिकल यहां से आते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा न्यूमेरिकल इस पर हम लोग करते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है 20 ml 0.2 m KMnO4 सॉल्यूशन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विथ 10 ml एक्व सॉल्यूशन ऑफ C2H2C2O4.2H2O द मोलरिटी ऑफ H2C2O4 इज। अब ये देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल दे दिया है, अब इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा, तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होता है एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट बनाता है CO2 को, ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में बदल देता है KMnO4, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में इसको मैं सॉल्व भी कराया हूं, आप सर्च करिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स बाय c.m.dubey, तो आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। तो क्या इक्वेशन था, बैलेंस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, जब हम बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन आएगा 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2OSO4 कन्वर्टेड इंटू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस
8H2O ये है। अब यहां देखिएगा, हमें ऑक्सैलिक एसिड निकालना है और हमें केमेनोफोर दो दो केवल जो है कंपोनेंट सेलेक्ट करना होगा, तो हमें तो फार्मूला पता ही है। ये देखो कोफिशियंट है, ये मोल है, तो हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है M1B1 डिवाइड बाई हम कर देंगे 2, हमें इसके बारे में पता होगा। इसका मान लेते हैं मिलीमोल M1B1 डिवाइड बाई 2, कोफिशियंट 2 है, इक्वल कर देंगे इसका M2B2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, कोफिशियंट डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? अच्छा ये बताओ M1 का वैल्यू तो हमें दिया ही है, क्या दिया है M1? M1 है 20, तो 20 वॉल्यूम है, M1 है 0.2, तो 0.2 रख दो, 20 × 0.2 डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड करोगे, कोफिशियंट से, तो 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू M2 हमसे पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछा जा रहा है। B2 दे दिया है, कितना B2 दे दिया है 10, तो क्या करेंगे M2 × 10 डिवाइड बाई 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो M2 इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आएगा 1, और इसका मतलब आंसर सही है हमारा सेकंड। बात समझ में आया? बहुत ही आसान था, इक्वेशन लिखना पड़ा, ये फार्मूला सेट करना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया गया, आंसर आपको मिल गया। एक न्यूमेरिकल बच्चों और हम लोग करते हैं, आपको न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल, मैक्सिमम कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पूरे वीडियोज में सारे चैप्टर का करा दूंगा फिजिकल का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल बच्चों है 200 ml 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई एन एक्वस सॉल्यूशन CaOH का होल ट्वाइस, देन वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, देन वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इन सॉल्यूशन इज, क्या होगा? अब बच्चों आपको ये सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप, आपको फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का, पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा। यहां दिया HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय CaOH का होल ट्वाइस, तो दोनों का पहले रिएक्शन करना होगा, तो इसका मतलब हम रिएक्शन करेंगे HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस कन्वर्टेड इनटू CaCl2 और प्लस बन जाएगा वाटर, ये एसिड है, ये बेस है, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, 2 Cl है तो यहां आप 2 कर दो, यहां अब आप बैलेंस कर लो, 2 Cl बैलेंस है, वाटर कितना है 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 वाटर भी आप कर दो, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम इस इक्वेशन को सेट करके मिलीमोल डिवाइड बाय कोफिशियंट लगाते हैं, तो HCl के केस में हम लिख सकते हैं ना M1B1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू M2B2 डिवाइड बाय 1, कोई दिक्कत नो, लेकिन अब इसका तो वेट पूछ रहा है, तो हम इसका B1B2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वेट पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका, हमें तो M1 पता है 0.2, B1 पता है इतना, तो हम रख देंगे 200 × 0.2 डिवाइड बाई 2, लेकिन अब इसका हम वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे क्योंकि वेट हमें चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट हम पहले से जानते हैं, तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस डिवाइड बाई, बोलो मॉलिक्यूलर वेट और इनटू कर देंगे, कोफिशियंट कितना 1 है, 1
और इनटू 1000 एम बी वन एम वन बी वन इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 ही तो होता है मिलीमोल इक्वल टू। अब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें सी एओ एच का होल ट्वाइस का तो 40 और प्लस 16 एक 17 और दूना 34 34 तो सॉल्व करोगे तो 74 तो क्या हो जाएगा यहाँ 74 रख दो तो 200 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वेट हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट कितना 74 इंटू 1 इंटू 1000 और जब इसको बच्चा लोग सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ सी ए ओ एच का होल ट्वाइस आ जाएगा 1.48 ग्राम ये वेट आ जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है आप लोग कर ले जाओगे बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार आप ध्यान से देखिए पहले रिएक्शन लिखा फिर मिलीमोल डिवाइड बाय कोफिशियंट लगा करके माइनस कर लिया आंसर हमें मिल गया। केस नंबर फोर्थ देखते हैं बच्चों अगला कंडीशन केस नंबर फोर्थ मोलारिटी का इतना केस आपको आसानी से कोई पढ़ाने वाला नहीं है। केस नंबर फोर्थ देखिए बच्चों अब क्या केस नंबर फोर्थ में है अगला कंडीशन लिखिएगा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सॉल्यूट मतलब अगर हम मिक्सचर दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करें जिसमें सेम सॉल्यूट हो तो उस मिक्सचर की मोलारिटी क्या होगा ये कंडीशन है। तो फार्मूला मिक्सचर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम मतलब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाए और जिसमें सॉल्यूट सेम है तो उस मिक्सर की मोलारिटी हमें निकालना है। तो टोटल मिलीमोल यानी मिलीमोल मतलब एम बी और बी किसमें हो वॉल्यूम में टोटल मिलीमोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम बात समझ में आया। इसका मतलब मिलीमोल आपको पता ही है मिलीमोल इक्वल टू क्या है बताइए मिलीमोल इक्वल टू एम बी किसमें होना चाहिए बी एम एल में इसका मतलब मिलीमोल को और मैं क्या बोला था वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू किसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मोल 1000 से मल्टीप्लाई मिलीमोल और एम बी ये भी मिलीमोल तो टोटल मिलीमोल अगर दो या दो से अधिक सॉल्यूशन है तो टोटल मिलीमोल करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा बच्चों बन जाएगा यही तो बनेगा मिक्सचर की मोलारिटी इक्वल टू क्या बनेगा एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू प्लस एम थ्री बी थ्री डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री ध्यान देना यहां मिलीमोल है वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं दे रहा हूं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से और इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर करेंगे। क्या क्वेश्चन है 200 एमएल 0.2 एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ए ओ एच वाज मिक्स्ड विथ 300 एम एल 0.3 एम एक्वस सॉल्यूशन of NaOH then find out molarity of mixer देखो दोनों सॉल्यूट सेम है
दोनों सॉल्यूट को मिक्स किया गया, तो आप फार्मूला लगा करके आंसर आसानी से दे सकते हैं बच्चों। ये आपका होमवर्क है, पूरा अच्छे से नोट्स बनाने के बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर लिख करके कमेंट में आपको लिखना है। बहुत से बच्चे पढ़ करके सॉल्व नहीं करते, कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करिए और कोशिश करिए, वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके मित्र भी इसका फायदा उठा सकें। नोट लिख लीजिए, नोट है बच्चों लाइक मोलैलिटी, जैसे मोलैलिटी में हम लोग पढ़े थे, लाइक मोलैलिटी, मोलैलिटी के में जैसे हम लोग पढ़े थे मोलल सॉल्यूशन, ऐसे ही यहां बोला जाएगा मोलर, वहां मोलल था, यहां मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मतलब कैपिटल एम इक्वल टू वन, मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर, वहां भी तो पढ़े थे सेंटीमोलर, पेंटीमोलर, ईटीसी, ये सभी ईटीसी आर आल्सो पॉसिबल, ये सभी मोलारिटी के केस में भी पॉसिबल है। जैसे वहां पॉसिबल था उसी टाइप का यहां भी आप मान सकते हो। तो बच्चों इसको सॉल्व करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा नॉर्मेलिटी, जितने कंसंट्रेशन टर्म है कल पूरा मैं कवर कराऊंगा, और परसों वाले वीडियोज में मैं पूरा कंसंट्रेशन टर्म पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके आगे मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।